गुम है किसी के प्यार में शो से एग्जिट के बाद नील भट्ट ने पहली बार आयशा सिंह के अपकमिंग प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पर किया ये बड़ा खुलासा। क्या वाकई आयशा सिंह और नील भट्ट ने किया है 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर? तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। गुम है किसी के प्यार में शो से निकलने के बाद एक रूमर्स लगातार तेज़ी से फैल रहा है और आपको बता दें ये कहा जा रहा है बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स में कि सैराट की जोड़ी ने एक साथ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें ये साफ है कि आने वाले दिनों में भी आयशा सिंह और नील भट्ट एक साथ नज़र आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच इंडिया फोरम से बात करते हुए नील भट्ट ने इन सारी ही बातों पर पहली बार सनसनीखेज खुलासा किया है। इसके पहले आयशा सिंह ने यह साफ किया था कि वो अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो ज़रूर नील भट्ट के साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर लेके जो जवाब नील भट्ट ने दिया है वो शायद शॉकिंग है। नील भट्ट ने इंडिया फोरम से कहा, ऑल आई विल कॉल दिस पीस ऑफ न्यूज़ इज रेडिकुलस, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड माई फैंस नो इट टू, सो वाई आई साइन एनीथिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ इट एंड विदाउट नोइंग वॉट इट होल्ड, आई नो वेर आई हैव टू साइन एंड आई विल नॉट गो अहेड टू साइन एनीथिंग, सो नो देर इज अ नो ट्रूथ टू दिस न्यूज, इट कम्प्लीटली बेसलेस। आयशा सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर नील भट्ट ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और ये कहा कि ये पूरी ही न्यूज़ रेडिकुलस है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ, मुझे सारी कानूनी दाव पेच पता है, तो मैं इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी साइन नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी डील हमारे बीच में नहीं हुआ है। लेकिन नील ने यह भी साफ किया कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर होगा आयशा सिंह के साथ तो बतौर प्रोफेशन वो ज़रूर करना चाहेंगे। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन नील भट्ट के इस बयान पे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।